Hello and welcome back at MasterCam CNC Milling Operations Tutorial. MasterCam के लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पॉकेट मिलिंग ऑपरेशन के टूल पाथ के बारे में. पॉकेट मिलिंग ऑपरेशन क्या होता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है. तो पॉकेट मिलिंग ऑपरेशन के अंदर अलग अलग टाइप के पॉकेट टाइप रहते हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्टैंडर्ड पॉकेट के बारे में. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो डिफरेंट और सबसे इम्पोर्टेंट पेजेस, जिसमें सबसे पहला हमारा फेस मिलिंग एंड सेकेंड वन है आइसलैंड फेसिंग. इसके जो अगला वीडियो आने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे रीमशीनिंग किस तरीके से किया जाता है पॉकेट मिलिंग के लिए और ओपन पॉकेट मिलिंग क्या होता है. तो आज हम समझ लेते हैं फेसिंग एंड आइसलैंड फॉर पॉकेट मिलिंग ऑपरेशन. तो इस ऑपरेशन को मैं स्टार्टिंग से आपको स्टार्ट करके दिखाने वाला हूँ. सबसे पहले हमें आ जाना है पॉकेट मिलिंग में और सिलेक्शन कर लेना है चेन की कौन सी हमें ऑपरेशन जिसमें परफॉर्म करना है. देन अब हमें सिलेक्शन कर लेना है टूल. एज पर रिक्वायरमेंट हम यहाँ पर टूल सिलेक्शन कर लेते हैं. टूल सिलेक्शन के बाद हमें यहाँ पर फीड रेट और स्पेंडल स्पीड सिलेक्शन कर लेनी, कमेंट दे देना है. एंड देन अब बात करते हैं हम कटिंग पैरामीटर के बारे में. जब हम आते हैं कटिंग पैरामीटर, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन कर लेना है, कितना हमें वॉल पर रखना है और कितना हमें फ्लोर पर रखना है. जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर पॉकेट का टाइप सिलेक्शन करना है. जब हम फेसिंग के बारे में बात करेंगे, तो फेसिंग के टाइम वॉल पर स्टॉक का कुछ मतलब कम रहता है, कहीं ना कहीं फ्लोर पर स्टॉक की एक स्पेसिफिक वैल्यू रहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि फेसिंग ऑपरेशन जो रहता है वर्कपीस के टॉप पे होता है. अब इसमें फेसिंग के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स हैं. सबसे पहला आता है हमारा ओवरलैप. ओवरलैप का अर्थ हो गया कि यहाँ पर जो है ये टूल कितना ओवरलैप करेगा. तो पहला कट जब हमारा लगेगा, तो उस समय बाहर की तरफ से जो वर्कपीस से कटिंग करते हुए आएगा, तो कितना बाहर की तरफ जाएगा. तो इसको नॉर्मल हम 25% तक रख सकते हैं. जीरो से इसे हमेशा 5 से लेकर 25% तक एक स्पेसिफिक वैल्यू में रखें. देन नेक्स्ट वन चीज़ रहती है हमारी अप्रोच डिस्टेंस. अप्रोच डिस्टेंस रहता है, ये डिपेंड करता है हमारा एज पर टूल डायमीटर. अभी हमारा टूल डायमीटर है वो 10 mm है, तो इसे हमेशा टूल डायमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा रखें. एंड सिमिलरली एग्जिट डिस्टेंस, इट इज सेम एज अप्रोच डिस्टेंस. देन नेक्स्ट वन, जो बाकी के सभी पैरामीटर हैं वो लगभग सेम रहेंगे जो हमने पहले बात करते हुए आ रहे हैं रफिंग के बारे में. एंट्री का जो टाइप है वो जैसा हमने ऑलरेडी पॉकेट मिलिंग के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. फिनिशिंग के बारे में बात कर लेते हैं. फिनिशिंग भी वही सेम चीज़ें. लीड इन लीड आउट के बारे में बात करें, तो वो सेम रहेगा जो हमने पॉकेट मिलिंग के दौरान रखी थी वैल्यूज़. जब हम बात करेंगे फेसिंग के बारे में, तो फेसिंग के बारे में भी हम डेप्थ ऑफ कट की वैल्यू डाल सकते हैं कि कितना हमारा टूल डेप्थ ऑफ कट लेना है. यहाँ पर हमें रखना है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट. यहाँ पर यदि हमें लास्ट कट देना है कम, तो यहाँ पर फिनिश कट करके लास्ट कट कितना डेप्थ का देना है वो वैल्यू इनपुट कर देते हैं. एंड यहाँ पर नेक्स्ट वन रखते हैं, जब फेसिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो ब्रेक थ्रू को कभी भी हार ना करें. एंड नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब हम फेसिंग ऑपरेशन सिलेक्शन कर रहे हो उस समय, यहाँ पर जो है टॉप ऑफ द स्टॉक, जिसका अर्थ है कि हमारा फेसिंग करना है, हमें इस पॉकेट के एरिया में ही फेसिंग करना है. बट फेसिंग करते समय जो हमारा स्टॉक है इसमें कितने mm ऊपर है वो वैल्यू हमें हमेशा ध्यान से इनपुट करनी है. सपोज़ हमारे जो वैल्यू है 2 mm ऊपर है, और फेसिंग कहाँ तक करना है, जहाँ पर हमारा स्पेसिफिक वर्कपीस है वहाँ तक करना है, तो उसे 0-0 कर लेंगे. तो जैसा आप देख पा रहे हैं, हमारा ऑटोमेटिकली ही टूल पाथ जनरेट हो गया है. तो ऑटोमेटिकली इस टूल पाथ की मदद से पूरा का पूरा एरिया में इजीली 2 mm वर्कपीस के फेस से, जो हमारा मॉडल है उसके फेस से 2 mm का एरिया ऑटोमेटिकली मशीनिंग हो जाएगा. तो कई बार हमारे सामने इस तरीके की प्रोफाइल्स रहती है जिसे हमें फेसिंग करना रहता है, तो यहाँ पर इस तरीके से इजीली फेसिंग कर सकते हैं. सेकेंड वन, जो टूल पाथ हम इस वीडियो में ही बात करने वाले हैं, वो है हमारा आइसलैंड फेसिंग. अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या रहता है आइसलैंड फेसिंग एंड फेसिंग के अंदर. जब हम बात करते हैं आइसलैंड फेसिंग के बारे में, जैसे ही हम आइसलैंड फेसिंग पर क्लिक करते हैं एंड ओके क्लिक करेंगे, तो आइसलैंड फेसिंग ओनली उसी एरिया में फेसिंग होती है, अर्थात अंदर की तरफ. कि हमने ये जो एरिया सिलेक्शन कर रखा है, ये चेन जो सिलेक्शन थी हमारी, ये लाइन चेन सिलेक्शन थी, तो जो पॉकेट होगा
वो हमारा एरिया के अंदर ही होगा। आइसलैंड मतलब लैंड, जो एरिया हमने लैंड सिलेक्शन कर रखा है उसके अंदर के एरिया में ही पॉकेट होगा। जबकि नॉर्मल फेसिंग करेंगे तो अंदर तो फेसिंग होगा ही होगा, बल्कि बाहर की तरफ भी एक्सटर्नल एरिया में भी फेसिंग हो करके क्लीन हो जाएगा। आई विश कि आपको समझ में आ गया होगा दोनों फेसिंग।